हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना सिंक्रोनाइजेशन का पार्ट रह गया सीगा मल्टी थ्रैडिंग दे विच। तो मल्टी थ्रैडिंग जिहड़ा अपना लास्ट टॉपिक हैगा वो है सिंक्रोनाइजेशन। वी हैव सीन थ्रेड्स दैट यूज देयर ओन डाटा एंड मैथड्स प्रोवाइड इन साइड देयर रन मैथड। कहते जिहड़ा भी डाटा आप रन मैथड च यूज करते हैं, रन मैथड च ही होंगे है ना। सो वॉट हैपन्स वैन दे ट्राई टू यूज़ द डाटा एंड मैथड्स आउटसाइड, जिहड़ा तुहाडा मैथड्स या कोई भी डाटा वेरिएबल्स बाहर हो रन मैथड तो फिर की होगा, दे में कंपीट फॉर द सेम रिसोर्स। जिमें दो थ्रेड्स कट्ठे चल रहे हैं तो हो सकता भी दोनों नू प्रिंटर एक रिसोर्स है, प्रिंटर दोनों ही चाहिए हैगा। या एदे विच एग्जाम्पल दिती हुई है एक फाइल दी, फॉर एग्जाम्पल वन थ्रेड में ट्राई टू रीड अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल और दूजा थ्रेड की है लिख रहा है, तो या तो यह होवे भी जिहड़ा लिख रहा वह कंप्लीट कर लवे है ना, फिर वह दूजे थ्रेड नू दे दे। हले वह लिख रहा है इनकंप्लीट है, 10 लाइनस लिखनिया ने, हले 4 लाइनस लिखिया ने, तो ना जिन्हें रीड करनी है अगर उन्होंने आप नाल दी नाल उन्हों थ्रेड नू मिल जाती है फाइल तो उन्होंने 4 लाइनस मिलनगे, कंप्लीट 10 लाइनस नहीं मिलनगे। इसलिए जेरे इस तरह के मैथड होंगे ने अगर उन्होंने आप सिंक्रोनाइज कर दीए तो वो की होएगा कि जेरी मैथड के फाइल खुली है तो सिंक्रोनाइजेशन के कारण एक बार वह एक थ्रेड ही उस मैथड च आएगा और उस फाइल नू ऑपरेट करेगा, चाहे उन्हें रीड करना चाहे उन्हें राइट करना। फिर जब तक वो मैथड छड़दा नहीं हैगा तद तक दूसरा थ्रेड एंटर उस मैथड नहीं हो जाता, तो वो वास्ते आप इस टेक्नीक जी हैगी आप सिंक्रोनाइजेशन कहने तो ये वास्ते कीवर्ड जो आप लिखते होंगे सिंक्रोनाइज। देखो जिमें अपडेट मैथड है तो वो अगे की लिखता सिंक्रोनाइज, तो जब भी अपडेट मैथड कोई भी थ्रेड अगर उन्होंने रन करना चाहता हैगा तो एक टाइम तो एक थ्रेड ही वो आएगा। वैन वी डिकलेयर अ मैथड सिंक्रोनाइज जावा क्रिएट्स अ मोनीटर, एक जावा ध्यान रखता एक मोनीटर रखता कि हैंड इट ओवर टू द थ्रेड, जेडे थ्रेड ने उन्होंने कॉल किया मैथड न फर्स्ट टाइम उन्होंने हैंड ओवर करता, एज लोंग एज थ्रेड होल्ड्स अ मोनीटर, जब तक उस थ्रेड को मोनीटर है भी उस मैथड में एग्जीक्यूट है, नो अदर थ्रेड कैन एंटर, कोई होर थ्रेड एंटर हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो की है सिंक्रोनाइज सैक्शन। ठीक है, मतलब दिक्कत ये आती है कई बार भी जिमें एक मैथड जिमें आ देखो थ्रेड ए मैथड मैथड टू नू रन कर रहा है, ठीक है, फिर उन्होंने मैथड वन चाहिए, दोनों सिंक्रोनाइज्ड है। इधर देखो थ्रेड बी मैथड वन नू रन कर रहा है तो उन्होंने मैथड टू चाहिए हैगा, यह जब तक मैथड वन नहीं छड़ता इनू नहीं मिल सकता, ये जब तक मैथड टू नहीं छड़ता इनू मैथड वन नहीं मिल सकता, तो दैट क्रिएट्स डेड लॉक्स है ना। तो इस तरह का भी अपने जी सिचुएशन हैगी है वो ध्यान रखनी हैगी भी डेड लॉक्स ना हो। इंप्लीमेंटिंग द रनेबल इंटरफेस, मैं थोड़ा स्टार्टिंग दसिया सीगा भी दो तरीकों आप जरा है अपनी क्लास में रनेबल कर सकते हैं, थ्रेड्स क्रिएट कर सकते हैं। एक हैगा क्लास थ्रेड ना एक्सटेंड की आप एक्सटेंड थ्रेड है ना क्लास में एक्सटेंड किया, दूजा तरीका है इंटरफेस कि रनेबल इंटरफेस, यदा की तरीका है भी जी क्लास आप रनेबल करनी है तो जिमें क्लास एक्स है उन्होंने इंप्लीमेंट कि करता रनेबल ना। ठीक है, आई जे स्टैप्स मैं दसूँगी आई 1 2 3 4 स्टैप्स है। ठीक है, वेद रनेबल इंटरफेस एक मैथड है रन जरा कि आपको ओवरराइड करना ही पेगा, ये रन एक तो लैके 10 तक आप लूप चलाया है। हूँ जब ये मैथड का आप ऑब्जेक्ट बनाना है दैन क्लास रनेबल टेस्ट, ये मेन मैथड है, मेन मैथड वाली क्लास है, ये एक्स रनेबल इक्वल टू न्यू एक्स अपनी ऑब्जेक्ट बन गया, उस तो बाद एक थ्रेड का ऑब्जेक्ट बन गया जिद कंस्ट्रक्टर जोड़ा आर्गूमेंट जा रहा वह है रनेबल ऑब्जेक्ट। ठीक है, हूँ जब वह रनेबल ऑब्जेक्ट हूँ जब स्टार्ट करेगा तो ए वाला रन मैथड एग्जीक्यूट होकर आउटपुट क्रिएट कर देगा, तो यही भी है कि अगर आप रनेबल इंटरफेस यूज़ करते हैं। हम अपना जो लास्ट टॉपिक है वह है इंटर थ्रैड कम्यूनीकेशन। इंटर थ्रैड कम्यूनीकेशन के नोटिफाई जोड़ा होंगे है वह कहते रिज्यूम्स फर्स्ट थ्रैड दैट वेंट इन टू द स्लीप मोड, जिहड़ा सब तो पहला सस्पेंड करते हैं आप, सस्पेंड किवें होगा या तो वेट कॉल करके होएगा। ठीक है, जब वो सस्पेंड होगा तो अगर उन्होंने दोबारा आप रनेबल स्टेट लैके आना है भी उन्होंने हम सीपीयू मिल जाए वो वास्ते आपको करना पेगा नोटिफाई,
नोटिफाई ऑल नाल ए है भी जिन्हें भी थ्रेड जेडे ने सस्पेंड हुए हुए ने वो सारे हुन रनेबल स्टेट च आ जाएंगे। और वेट दे विच की हुंदा है क्या? वेट ले चला जाता है यानी स्लीप मोड चला जाता है। अगर आप जिन्हें भी उन्होंने जब तक वो वेट च है और रनेबल स्टेट नहीं है उन्होंने रनेबल स्टेट लिया वास्ते आप करेंगे नोटिफाई। वो थ्रैड नाल अगर लगा देंगे तो नोटिफाई, अगर नोटिफाई ऑल कर देंगे तो सारी दी सारी थ्रैड्स जेडे कि वेट्स ने सारे ही रनेबल जा जाएंगे। तो सस्पेंडिंग रिज्यूमिंग स्टॉपिंग थ्रैड की होंगे है द फंक्शंस ऑफ दीज आर थ्रैड आर परफॉर्म्ड यूजिंग बुलियन टाइप फ्लैग्स। ये बुलियन टाइप यूज होंगे है दीज बुलियन मतलब या ट्रू या फॉल्स या सस्पेंड होएगा या नहीं होएगा। द रन मैथड वर्कस अकॉर्डिंग टू द करंट बुलियन वैल्यू ऑफ दी थ्री फ्लैग्स। रन वो अकॉर्डिंगली चेंज मतलब वर्क करेगा ना जरा रन तो उड्यूट करेगा जरा कि रनेबल स्टेट च जरा सस्पेंड होया उन्होंने नहीं ना करेगा तो वह यही फ्लैग्स ही देखेगा। इस सस्पेंडेड फ्लैग इज सैट टू ट्रू है ना फिर रन जरा मैथड है वह सस्पेंड कर देगा नहीं एग्जीक्यूट करेगा ठीक है। और अगर वह रिज्यूम फ्लैग टू ट्रू हो जाता है तो उन्होंने रन एग्जीक्यूट करेगा। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।